हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, तो वही मासिक शिवरात्रि व्रत चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। ये दोनों ही तिथियां भगवान शिव को समर्पित हैं। साल 2022 में माघ माह का पहला और कृष्ण प्रदोष व्रत मासिक शिवरात्रि व्रत एक ही दिन यानी कि 30 जनवरी रविवार को पड़ रहे हैं, जिस कारण ये दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास होगा। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के माघ माह के कृष्ण प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। साथ में हम जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ सरल और अचूक उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि व्रत 30 जनवरी रविवार को है। ये माघ माह की मासिक शिवरात्रि है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कष्ट, पाप, भय, इन सब से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी व्रत रखते हैं उनको पूजा के समय मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की महिमा का पता चलता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। अब मैं मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सदाशिव अपने परम ब्रह्म स्वरूप में थे। महाशिवरात्रि के दिन ही वे लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। एक प्रकार से भगवान सदाशिव परम ब्रह्म स्वरूप से साकार हुए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की सबसे पहले पूजा की थी। इस वजह से हर शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती और रति जैसी देवियों ने शिवरात्रि का व्रत शिव कृपा और अपने उद्धार के लिए किया था। फागुन माह की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि को ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। सती के समय आत्मदाह के बाद काफ़ी समय बीतने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का महाशिवरात्रि को ही महामिलन हुआ था। इस वजह से भी शिवरात्रि के दिन शिव पूजा का विधान है। शिवरात्रि से जुड़ी दो कथाएं हैं, मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त में ये कथाएं सुना रही हूँ। आप चाहे तो व्रत वाले दिन इनमें से कोई एक कथा पूजा के समय पढ़ सकते हैं। व्रत कथा के सुनने से व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने भी उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की।
शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। जिस पेड़ पर वो बैठा था वो बिल वृक्ष था। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार से उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। इस तरह से कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का ही पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं और भूख प्यास से वो व्याकुल हो रहे होंगे। तो उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इन्हें छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वे अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया।
उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास का पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त और प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2022 में माघ माह का जो पहला कृष्ण प्रदोष व्रत है वो 30 जनवरी रविवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम के 5:59 से रात्रि के 8:37 तक। माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी रात्रि के 8:37 पर और माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी शाम के 5:28 पर। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त। माघ मास का शिवरात्रि व्रत मासिक शिवरात्रि व्रत 30 जनवरी रविवार को है। इस दिन प्रदोष व्रत और शिवरात्रि का महासंयोग बना हुआ है। चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 30 जनवरी रात्रि के 12:08 से रात्रि के 1:01 तक और चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जनवरी शाम के 5:28 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 31 जनवरी दोपहर 2:18 तक। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, रवि प्रदोष भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देव की आराधना के लिए विशेष दिन है। साथ ही इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर शिव मंदिर या घर पर ही महादेव की आराधना करें। सबसे पहले भगवान शिव का गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। अब महादेव को बेलपत्र, अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप, चंदन सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें। यह रवि प्रदोष है इसलिए इस दिन सूर्य उपासना अवश्य करें। प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य देकर उनकी उपासना करें, उनकी आराधना करें और सूर्य संबंधी सारी परेशानियां दूर होती हैं सूर्य देव की पूजा करने से। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। दोस्तों, प्रत्येक व्रत मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के संयोग पर भगवान शिव की विशेष आराधना और उपाय किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का जो संयोग है बहुत ही शुभ और खास होता है। इस शुभ संयोग में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा आसान उपाय है कि शिव जी पर जल अर्पित करना। आज के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, देसी घी और ये
भांग धतूरा ये चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल में पूजा से शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद उन्हें सफ़ेद चंदन अर्पित करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय शिव शंभु, हर हर महादेव। जय श्री हरि।